हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अनवर टेक्नोलॉजी पॉइंट में। मेरा नाम अनवर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंडिकेट बैंक का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप सिंड मोबाइल, इसके अंदर कैसे रजिस्टर करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक में है और आप सिंड मोबाइल अब तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिंड मोबाइल में रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद सिंड मोबाइल को कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पूरी डिटेल्स में बना रखी है। वीडियो लंबी है लेकिन आप देखेंगे तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप सीख जाएंगे कैसे सिंड मोबाइल को मैनेज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे सिंड मोबाइल में रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले सिंड मोबाइल को ओपन करेंगे, नहीं है आपके पास तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, कुछ इस तरह का दिखता है। मैं इसे ओपन कर ले रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको यहां रजिस्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। यहां पर एक लिख करके आ रहा है प्लीज एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, ओके करेंगे, रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर है टर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, इस पर टिक लगाएंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर नीचे में आपको एक निशान दिख रहा होगा, आपको उस निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक कुछ लिख करके आया, आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ से आपको डिस्प्ले पॉपअप विंडो वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, इसको ओपन कर लेना है, अलाउ करना है, उसके बाद बैक होना है आपको, फिर से यहाँ से सेंड करना है। आपको डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में ले जाएगा, आपको सिम सेलेक्ट करना है कि जो सिम आपके बैंक में रजिस्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे, एक मैसेज करेंगे। ये वेरीफिकेशन के लिए है, आपके बैंक में जो डिवाइस वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ आपका रजिस्टर होने के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। फिर मैं बैक आ जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमारा नंबर जो रजिस्टर है वो आ चुका है इसमें। यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर OTP आएगा, OTP डाल लेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ओके करेंगे। यहाँ पर कस्टमर ID डालेंगे, जो भी आपका कस्टमर ID है ये आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा। चलिए मैं डाल लेता हूँ। यहाँ हमने कस्टमर ID डाल लिया है, यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आएगा, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डालना है 16 डिजिट डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 16 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एक्सपायरी मंथ, वो भी डेबिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा, मंथ डालना है। यहाँ पर एक्सपायरी ईयर डालना है और यहाँ पर ATM पिन डालना है आपको। चलिए मैं फिल कर ले रहा हूँ, पर हमने डाल लिया है। जैसे ही डालेंगे आपको यहाँ पर लिख रहा है इनकरेक्ट पिन, मतलब यह है कि ATM पिन मैंने गलत डाल दिया है, मैं फिर से ATM पिन डाल ले रहा हूँ। यहाँ पर ATM पिन फिर से डाल लूँगा मैं। यहाँ पर हमने ATM पिन डाल लिया है, पासवर्ड बना लेंगे। जब भी आप सिंड मोबाइल को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा, यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर पासवर्ड बनाने को कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। पासवर्ड लेंथ शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स मैक्सिमम 16, यानी कम से कम 8 पासवर्ड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक आप कर सकते हैं। और पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए वो इसमें बताया है, तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। और इस तरह से आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए ये पासवर्ड बनाने को कह रहा है इस तरह का। इट मस्ट कॉन्टेन
वन अपर केस, वन लोअर केस, वन अल्फाबेट, वन स्पेशल कैरेक्टर एंड वन नंबर। अपर केस मतलब ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में एक, और कम से कम आप दो तीन चार भी कैपिटल में रख सकते हैं। और एक लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखना है, अल्फ़ाबेट होना चाहिए यानी ए बी सी डी, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपको यहाँ शो कर रहा होगा, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि डॉलर का है, एक एस, एट द रेट है, हैच है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे तभी लेगा, और इस तरह से आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। आप इस तरह बनाएं कि आपको याद भी रहे। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको न्यू एम पिन बना लेना है। इस ये एम पिन आपको काम आएगा पैसा ट्रांसफ़र करते समय, आपको एम पिन मांगेगा कोई सेटिंग करते समय, जैसे मोबाइल के अंदर एम पिन मांगेगा, ये एम पिन आपको बना लेना है। एम पिन चार कैरेक्टर का होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 या 4 3 2 1। आप इतना आसान ना बनाए कि कोई भी आपका एम पिन जान ले, आप अपने हिसाब से चार अंक का कोई बना सकते हैं कोई भी, ताकि आप भूलें ना। चलिए मैं बना लेता हूँ, यहाँ हमने बना लिया है। जैसे ही हमने बनाया है यहाँ लिख करके आ गया हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर सिंडिकेट बैंक मोबाइल बैंकिंग सर्विस, इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग आवर प्रीवियस एप्लीकेशन यू विल बी डी रजिस्टर्ड फ्रॉम द सेम। यहाँ पर ये पूरा लिख करके आ गया, हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, यहाँ से ओके करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ हमारे सामने एक नया पेज खुला है, यहाँ से हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू पर यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, और यहाँ से लॉगिन करेंगे तो हम जा करके सिंह मोबाइल के अंदर इंटर कर सकेंगे। लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल लेंगे जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है। चलिए मैं डाल लेता हूँ, डाल लिया, ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इंटर कर चुके हैं सिंह मोबाइल के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर, यहाँ से आप इसको इनेबल कर लेंगे ताकि आपको ये देखने में भी सिंह मोबाइल बहुत अच्छा लगे, और उसमें बहुत सारी सेटिंग भी आपको मिल जाती है। यहाँ से मैं इनेबल कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी सेटिंग हमें मिल गई है, और यहाँ से हमारा पूरा सिंह मोबाइल खुल करके आ चुका है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बना करके रखी हुई है 23 मिनट की। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम से जा करके, वहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में भी वीडियो रख दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं सिम मोबाइल को पूरा शुरू से आखिर तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की कि कैसे सिम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करने से लेकर के डेबिट कार्ड मैनेज करने तक, डेबिट कार्ड एटीएम पिन को चेंज करने तक बहुत कुछ है उस वीडियो के अंदर। आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी है लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।